तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, आज का प्रसंग है हम अपने दुश्मन को परास्त कैसे करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, आ जाइए, इस प्रसंग को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। देखिए दोस्तों, एक चिड़िया और एक कौवा बहुत अच्छे मित्र थे। वो साथ साथ रहते थे, साथ साथ दाना चुगते थे और अपने दिल के दुख सुख की बातें बैठ करके बहुत ही प्रेम से करते थे। उनका समय बहुत अच्छा गुजर रहा था। उधर दोस्तों, कौवा एक पेड़ पर अपना घोंसला बना करके अपने अंडों के साथ रहता था और इधर वो चिड़िया जो थी एक मक्के के खेत में अपना घोंसला बना करके अपने अंडों के साथ में रहती थी। दोस्तों, इस प्रकार से उस चिड़िया और कौवा का समय बहुत ही प्रेम से व्यतीत हो रहा था। अब दोस्तों, एक दो महीना बीतने के बाद में उस खेत की मक्का वो पक जाती है। तो एक दिन किसान आता है और कहता है, मक्का पक चुकी है, अब हम इसको कल से काटने का नंबर लगाएंगे। दोस्तों, ये बात जब वो चिड़िया सुन लेती है तो उसने मन में विचार किया, यदि ये किसान कल आकर के मक्का काटेगा तो हमारे अंडे यहाँ पर सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, इसलिए अब मुझे किसी दूसरे स्थान पर अपना घोंसला बना करके अपने अंडों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों, किसान तो वहाँ से वापस आ जाता है और वो चिड़िया वहाँ से उड़ करके अपने मित्र कौए के पास पहुँचती है और कौए से जाकर बोली, हे कौए भाई, कल किसान अपनी मक्का काटने के लिए आएगा और मुझे अब दूसरे स्थान पर अपना घोंसला बनाना है, इसलिए मैं जंगल में किसी अच्छे वृक्ष की तलाश में जा रही हूँ, जहाँ पर मैं एक अच्छे से स्थान पर और सुरक्षित स्थान पर अपना घोंसला बना सकूँ और अपने अंडों को वहाँ पर ले जा कर के रख सकूँ। बस तुम मेरा एक काम कर दो, जब तक मैं जंगल से लौट कर वापस ना आ जाऊँ तब तक तुम मेरे अंडों के पास बने रहना, कोई उनको खा न जाए। दोस्तों, कौवा कहने लगा, ठीक है बहन, तुम जाओ, मैं तुम्हारे अंडों की रक्षा करूँगा। दोस्तों, इस प्रकार से कौवा तो चिड़िया के अंडों की रक्षा करने लगता है और चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए एक दूसरे जंगल में किसी सुरक्षित स्थान को देखने के लिए निकल जाती है। अब दोस्तों, क्या होता है, जब वो चिड़िया एक घोंसला बनाने के लिए किसी अच्छे स्थान की तलाश करने के लिए निकलती है तो वो ऐसे स्थान पर पहुंच जाती है जहां पर एक पेड़ खड़ा हुआ था और उस पेड़ में एक खाली स्थान था। उस चिड़िया ने विचार किया कि ये खाली स्थान बहुत अच्छा रहेगा, यदि यहां पर मैं घोंसला बना लूं तो मेरे अंडे यहां पर सुरक्षित रह सकते हैं। अब दोस्तों, ये बात चिड़िया को मालूम नहीं थी, वो इलाका जो था वो इलाका एक नाग का था, वहाँ पर एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था और दोस्तों, वो नाग इतना दुष्ट था कि वो अपने ही अंडे खा जाया करता था। तो दोस्तों, चिड़िया के अंडे वहाँ पर सुरक्षित कैसे रह सकते थे। अब दोस्तों, चिड़िया ने मन में विचार करके और उस खाली स्थान को देख करके वहाँ पर एक सुंदर सा घोंसला बना लिया और अपने अंडे वहाँ से ला करके उसी पेड़ के खाली स्थान में जो घोंसला बनाया उसी घोंसला में ला करके रख दिए। अब दोस्तों, क्या होता है, सुबह को वो चिड़िया दाना चुगने के लिए चली जाती है और शाम तक वो चिड़िया अपने अंडों के पास वापस उसी घोंसले में आ जाती है। एक दिन दोस्तों, क्या होता है कि वो चिड़िया दाना चुगने के लिए गई हुई थी और वो नाग जो था वो घूमता हुआ उसी पेड़ के पास आ गया जहाँ पर चिड़िया के अंडे रखे हुए थे और जैसे ही उस नाग की निगाह उस चिड़िया के अंडों पर पड़ती है तो मन में बहुत खुश हो जाता है और विचार करता है कि मैंने कई दिन से भोजन भी नहीं किया है, आज इन अंडों को खा करके मैं अपना पेट भरूंगा। इधर दोस्तों, वो नाग जो था वो चिड़िया के अंडों को खाने की तैयारी कर रहा था और तब तक वो चिड़िया वापस अपने घोंसले में आ जाती है और जैसे ही चिड़िया ने उस नाग को देखा तो एकदम से कपकपाने लगी और मन में विचार करने लगी कि लगता है आज ये नाग मेरे अंडों को खाएगा, लेकिन मैं अपने अंडों को कैसे भी करके इस दुष्ट नाग से बचा के रहूंगी। अब दोस्तों, उस चिड़िया ने हिम्मत से काम लेते हुए उस नाग से कहा, हे नाग भाई,
आप मेरे अंडों को खाने की तैयारी क्यों कर रहे हो? मेरे अंडे आप मत खाइएगा, मेरे अंडे आप खा लेंगे तो बताओ मैं कैसे जी पाऊंगी। दोस्तों नाग कहने लगा, तू यहाँ से भाग जा, अगर तू यहाँ से नहीं भागेगी तो मैं अंडों के साथ तुझे भी खा जाऊंगा। अब दोस्तों वो चिड़िया उस नाग की बात को सुनकर के घबराने लगी, लेकिन उसने मन में विचार किया कि हमारा मित्र कौवा कहता था कि जब भी बुरा वक्त आए तो धैर्य से काम लेना चाहिए और कुछ ऐसी युक्ति सोचना चाहिए जो दुश्मन से हमें छुटकारा मिल सके। अब दोस्तों चिड़िया ने मन में विचार किया कि मैं जिस रास्ते से दाना चुगने के लिए जाती हूँ उस रास्ते में एक नेवला रहता है और वो नेवला कई दिन से भूखा है। मैं जब भी जाती हूँ तो वह मुझे बैठा मिलता है और ये नेवला सर्प का दुश्मन होता है। अब मुझे कोई ऐसी चाल चलनी चाहिए जिससे कि इस नाग को उस नेवले के पास तक पहुँचा सकूँ। अब दोस्तों वो चिड़िया हंस करके उस नाग से कहने लगी, हे नाग भाई, यदि आप मेरे अंडों को खाना चाहते हो तो खा लेना, लेकिन मेरी एक बात मान लो। दोस्तों नाग कहने लगा, ठीक है जल्दी बताओ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तो दोस्तों चिड़िया कहने लगी, हे नाग भाई, यहाँ पर मेरे चार अंडे हैं और चार ही अंडे जंगल के उस पार हैं, वो अंडे मेरे बड़े बड़े हैं। मैं ये चाहती हूँ कि पहले मेरे बुआ बड़े अंडे खा लें और जब तक ये थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर आप कल परसों में इन अंडों को खा लेना। दोस्तों नाग कहने लगा, ठीक है चलो मुझे उन अंडों के पास ले चलो जहाँ पर तुम्हारे अंडे बड़े बड़े हैं। अब दोस्तों चिड़िया कहने लगी, ठीक है नाग भाई, मैं आगे आगे चलती हूँ, आप मेरे पीछे पीछे चलो। दोस्तों आगे आगे वो चिड़िया चल रही थी और पीछे पीछे वो नाग चल रहा था। और दोस्तों इस प्रकार उस चिड़िया ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए उस रास्ते से होकर के गुजरती है जिस रास्ते में वो नेवला रहता था और नेवला कई दिन से भूखा भी था। दोस्तों जिस स्थान पर नेवला रहता था वहाँ पर एक वृक्ष था। चिड़िया दोस्तों उस वृक्ष के ऊपर बैठ जाती है और जैसे ही वो नाग आगे बढ़ने की कोशिश करता है वैसे ही उस नेवले की निगाह उस नाग पर पड़ जाती है। और दोस्तों इस प्रकार जैसे ही उस नेवले की निगाह उस नाग के ऊपर पड़ती है एकदम से वो नेवला क्रोध में आकर के और उस नाग के ऊपर आक्रमण कर देता है और इस प्रकार से दोस्तों उस नाग की मृत्यु हो जाती है। और फिर चिड़िया मन ही मन में बहुत खुश होती है और वापस उड़ करके अपने अंडों के पास आती है और आने के बाद में बहुत ही मन में खुशी मनाती है और फिर अपने मित्र कौए के पास जाती है और कौए को बुला करके लाती है और कहने लगती है, कौए भाई, आज मैंने अपने विवेक से काम लिया और विवेक से काम लेकर के मैंने अपने अंडे बचा लिए और अपने दुश्मन को परास्त कर दिया। इस प्रकार दोस्तों फिर वो चिड़िया उस कौए से कहने लगी, हे कौए भाई, अब आप एक काम करो, हम लोग एक अच्छे मित्र हैं लेकिन हम दूर दूर रह रहे हैं, अब एक काम करो आप कि अपना घोंसला आप इसी पेड़ पर बना लो, फिर से हम साथ साथ रहेंगे और साथ साथ अपने बच्चों के साथ रह कर के बड़े ही प्रेम से बातें किया करेंगे। और दोस्तों चिड़िया की बात सुनकर के उस कौए ने भी अपना घोंसला उसी पेड़ पर बना लिया जहाँ पर चिड़िया का घोंसला था। अब दोस्तों चिड़िया और कौवा फिर साथ साथ बड़े प्रेम पूर्वक अपना समय बिताने लगे। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन एक संघर्ष भरा है, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं लेकिन विपत्ति के समय में हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और धैर्य से जो काम लेते हैं उनके जीवन की सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं और उनका जीवन सुखद हो जाता है। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।